हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग। और ये हमारी सीरीज है जनरल स्टडीज एमसीक्यूज की, जिसमें हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेप्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को कवर करेगी। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हमारा डे वन है और हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए पहले जान लेते हैं क्या है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पहले चार जो सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से एक था। जो बाकी चार कौन, बाकी तीन हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि ये टर्की, सीरिया, ईरान, इराक एरिया जो है वो मेसोपोटामिया वहाँ पे था, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे पे। दूसरा है इजिप्टियन, जो कि नाइल रिवर के किनारे पे है, और तीसरा चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि हुआंग हो रिवर के किनारे पे है। तो ये चार वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं। और अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें आपको पता होगा कि कार्बन का C14 आइसोटोप यूज लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है 2500 BCE टू 1750 BCE। और इसकी सबसे खास बात थी कि ये एक सिस्टमाइज्ड अर्बन प्लानिंग वाला था और इसमें कवर ड्रेनेज सिस्टम था। टाउन्स जो इसमें थे ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जो अपर पार्ट था उसको सिटेडल कहते थे, और जो लोअर पार्ट था जो जनरल पब्लिक के लिए होता था। इट हैज अ वेल निट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम वॉज प्रीवेलेंट। तो इसमें एक अच्छा खासा एक नेटवर्क था एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड का, और एक्सटर्नल ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली इनका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ चलता था, और ये ट्रेडिंग के लिए ये बार्टर सिस्टम ही यूज लेते थे। और यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। यूनिकॉर्न जो था ये सबसे ज़्यादा वर्शिप किया गया जानवर था यहाँ पे। और ये कहाँ से स्टार्ट होता था, ये मांडू जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ में टू दायमाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ। नॉर्थ साउथ तो ये इसका एक्सपेंशन था, और ईस्ट वेस्ट के अंदर ये अलामगीरपुर इन द ईस्ट जो उत्तर प्रदेश में है टू सुतका गेंडोर इन बलोचिस्तान इन द वेस्ट। तो ये इसका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वॉज। पहला, फेयरली इगैलिटेरियन। क्या ये काफी समतावादी, यानी कि काफी ये समानता में विश्वास रखते थे। सेकंड, स्लेव लेबर बेस्ड, क्या ये दास श्रम आधारित थे। तीसरा, कलर या वर्ण बेस्ड, वर्ण आधारित थे, या फिर जाति आधारित, कास्ट बेस्ड थे। तो इसका आंसर है फेयरली इगैलिटेरियन। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं मैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव ट्रेड्स नहीं थे, जैसे कि बाकी सिविलाइजेशन जो इसके टाइम के थे, उस बाकी सिविलाइजेशन में आपको ये नेगेटिव ट्रेड्स जो देखने को मिलते हैं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर इसमें से आपके फीचर्स पूछे जाएं कि इनमें से कौन सा फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता था, तो उसमें से जो सबसे पॉजिटिव फीचर हो ऑप्शंस में उसे टिक लगाइएगा, मोस्ट प्रोबेबली वही ऑप्शन सही होगा। तो इस सोसाइटी के अंदर क्या था कि इट वॉज फेयरली इगैलिटेरियन, और इसमें कोई भी दास या कोई भी राजा नहीं था, और इसके अंदर कोई भी सोशल कंफ्लिक्ट के साइंस नहीं मिलते, कोई भी प्रिजन्स वगैरह और कुछ भी नहीं मिलते, और जो भी घर थे वो लगभग सेम साइज के थे। तो इससे पता लगता है कि सब लोग एक समान थे। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर वन, कि इट वॉज अ फेयरली इगैलिटेरियन सोसाइटी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कथन हड़प्पन सभ्यता के लिए सही है। तो इसमें देखते हैं, हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, काउ वॉज सेक्रेट टू देम, पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, या फिर द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक। क्या अश्वबलि उन्हें ज्ञात थी, या गाय उनके लिए पवित्र थी, या पशुपति उनके द्वारा वंदित थे, या संस्कृति आम तौर पर स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो इसमें जो पॉटरी मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उससे पता चलता है कि ये ग्रेजुअली ये इवॉल्व करते रही हड़प्पन सिविलाइजेशन विद टाइम। तो कि
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज एंड सिरेमिक आर्ट फॉर्म्स, अलग अलग टाइप की पॉटरीज और सिरेमिक आर्ट फॉर्म्स डिफरेंट स्टेजेस में मिली सिविलाइजेशन के, जिससे पता लगा कि ये सिविलाइजेशन स्टैटिक नहीं था। पहले ये इवॉल्व होते हुए अपने पीक पर पहुंचा और फिर बाद में ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होता रहा, ये अचानक से खत्म नहीं हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली, विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो सिंधु घाटी में खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है? तो क्या इसकी पॉटरी या मिट्टी के बर्तन यानी कि, या मोहरें, नावें, या फिर इसके घर? तो इसका जवाब है इसके मोहरें यानी कि सील्स। सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसकी जो ये मोहरें हैं, इसके ये आर्थिक जो गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। और इसकी इकोनॉमी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेनली ये एग्रीकल्चर बेस्ड थी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर, बट इसके साथ साथ ये एक्टिव ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे, मोस्ट प्रोबेबली विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और ट्रेड के बारे में आपको पता लगता है इसकी जो ये सील्स जो मिलती हैं उनके उनके उनसे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, तो जो सबसे पहली सिटी जो इंडिया में डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो और ये जो इसके जो रियूस थे हड़प्पा के, ये 1842 में चार्ल्स मेसन ने डिस्कवर कर लिए थे अपने जो ये अलग अलग जगह जाते थे, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और में। तो उनके जो नैरेटिव जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था उसके बारे उसके अंदर इसका जिक्र था, लेकिन उस टाइम कोई आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट नहीं लिया गया उसके अंदर। बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें कि अपने फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, वो भी 1856 के अराउंड इसके साइट को विजिट उन्होंने किया, बट कोई इंटरेस्ट खास नहीं लिया। और 1872 टू 75 में इन्होंने हड़प्पन सील भी रिलीज की, बट उसे ही मिस्टुक एज अ ब्राह्मी सील। ब्राह्मी अपने एंशियंट इंडिया की एक राइटिंग लैंग्वेज थी, राइटिंग स्टाइल थी, तो उस सील से इसको मिस्टेक कर लिया उन्होंने। बट इन 1921-22 सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने इसकी खुदाई स्टार्ट की राय बहादुर दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 1। द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रोवाइडेड बाय द वर्शिप ऑफ। तो आज के हिंदू धर्म और प्राचीन इंडस वैली संस्कृति के बीच जैविक संबंध किसकी पूजा से साबित होता है? क्या पशुपति इंद्र और देवी माँ की पूजा से, पत्थर पेड़ और जानवर की पूजा से, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा से, या शिव और शक्ति की पूजा से? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टोन्स ट्रीज एंड एनिमल्स, पत्थर पेड़ और जानवरों की पूजा से। इससे क्या कई सारी साइट्स से एविडेंस मिली है कि हड़प्पन लोग नेचर की वर्शिप करते थे, और ऐसी वर्शिप अपने हिंदुइज्म में भी मिल सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग द वेदिक एज। ऋग्वेद में आपको मिलेगा ये कि हम नेचर की हम वर्शिप कर रहे थे, तो इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड? तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, कृत्रिम ईंट बंदरगाह वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो आपका आंसर है लोथल। लोथल जो है गुजरात के अंदर लोकेटेड है एंड वॉज द ओनली साइट विद आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ये 1954 में एसआर राव द्वारा डिस्कवर किया गया था, और यहां पर इसमें फैक्ट्री मिली थी स्टोन टूल्स की और मेटलिक फिनिश्ड गुड्स की। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एबसेंट इन द टेराकोटाज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके जो ये टेराकोटा के जो बर्तन थे उनमें से कौन सा ये जानवर अनुपस्थित था?
तो आपका आंसर इसका सही है गाय, काओ, ऑप्शन नंबर 3। ये जो इसके जो टेराकोटा के जो ये मिले थे फिगरीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनसे हमें पता लगता है कि हड़प्पन्स ने कई सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, जैसे कि ये हो गया आपका बैल, भैंस, सुअर, बकरी, भेड़ आदि, कैमल जो ऊंट है, और ये गधे थे जो थे, एसेस वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कुत्ते और बिल्ली को ये पेट्स की तरह रखते थे, और हम्प्ड बुल वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट एसेट इन द फार्मिंग कम्युनिटी। जो ये अपना सांड था उसको ये खेती बाड़ी में अच्छा एसेट माना जाता था, पर गाय के कोई भी फिगरेंस नहीं मिले, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, काओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल, बिना जो गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चान्हुदाड़ो? तो आपका आंसर है सही चान्हुदाड़ो। चान्हुदाड़ो इज द ओनली सिटी विच लैक्ड अ सिटाडेल। चान्हुदाड़ा ही इकलौता ऐसा शहर था जहां पे कोई गढ़ नहीं था, और इस सिटी के अंदर आपको फैक्ट्री मिलती थी बीड्स और बैंगल्स, ये मोती बनाने और ये चूड़ियां बनाने की भी फैक्ट्री यहां पे मिलती थी। ये सिंध के अंदर लोकेटेड है पाकिस्तान में, और इसको डिस्कवर किया था एम जी मजूमदार ने इन 1931। द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो ये थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ, संगठित शहरी जीवन जीते थे। जो हड़प्पन्स हैड अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ, और यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, लैंप पोस्ट्स भी इरेक्ट किए गए थे, तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी। तो ये अर्बन पीपल थे, तो ये इनिशियली भी मैंने आपको बताया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घरों का निर्माण किससे करते थे? पक्का ब्रिक्स, स्टोन, वुड या ऑल ऑफ द अबव? तो आपका करेक्ट आंसर है पक्का ब्रिक्स। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी इनमें से सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो आपको लगे वो चूज करिए, तो सबसे बढ़िया चीज क्या रहेगी घर बनाने के लिए, वो है पक्की ईंटें। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, पक्की ईंटों से घर बने होते थे, और हर घर का खुद का एक प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल था, खुद का प्राइवेट बाथरूम था। अच्छा, घरों की खास बात ये थी कि ये टू स्टोरीज होते थे, और निचले एक की जो मंजिल थी उस पे कोई भी खिड़की वगैरह नहीं होती थी, और अगर गेट से भी देखते तो थे तो घर के अंदर का आपको ज्यादा नहीं दिखता था, कोई बैरियर आ जाता था, तो ये प्राइवेसी बहुत पसंद करते थे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज, मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु था अपना तांबा यानी कि कॉपर। तो ये जो नियोलिथिक, नियो मतलब नया, लिथिक मतलब पत्थर, तो ये नए पाषाण युग के अंत में अपने ये धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा, और पहला जो धातु यूज लिया था वो कॉपर था, और इस पीरियड को कहते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्को यानी कि कॉपर, ये कॉपर होता है, और लिथिक यानी कि पत्थर, तो ये इट इज ऑल्सो इट रेफर्स टू स्टोन कॉपर फेज। तो पत्थर और कॉपर दोनों यूज लिए जाते हैं इस फेज में, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक फेज कहते थे। तो कॉपर आपका पहला मेटल था जो कि इंसान ने यूज लिया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विद, किस सिविलाइजेशन के साथ अपने देवी माँ की पूजा जुड़ी है? आर्यन सिविलाइजेशन, मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन? तो आपका करेक्ट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो ये फिगरिंस ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स, कई सारे इसके जो साइट्स हैं उन पे ये मदर गॉडेस की ये मूर्तियां टाइप मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजादड़ो, कालीबंगा में से, जिससे पता लगता है कि ये देवी माँ यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, सिंधु घाटी सभ्यता की अनोखी विशेषता क्या थी?
ये हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ये शहरी सभ्यता थी। तो बाकी सिविलाइजेशंस को अगर कंपेयर करें तो ये उनसे ज्यादा प्लान्ड था, बेटर प्लान्ड था, ज्यादा अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज, अच्छा मोहनजोदड़ो का ध्यान रखिए, देखिए हड़प्पा तो पहली जो सिटी थी वो हड़प्पा थी जो डिस्कवर की गई थी, पर हड़प्पा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो ईंटें और इसकी कई ईंट चोर थे जो उन्होंने चुरा ली थी इतनी सारी, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज्ड ईंटें मतलब साइट थी। लेकिन मोहनजोदड़ो कंपैरेटिवली वेल प्रिजर्व्ड थी और ये वन ऑफ द मेन सिटीज लगती है उसकी साइज और देखते हुए जो चीजें वहां से मिली। इसलिए तो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ये अनभंडारा ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो। द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा वॉज, सॉरी हड़प्पा नहीं यहां आएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 45 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी थी और इसमें फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था, और इट हैज लाइंस ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर पाउंडिंग ग्रेन और देयर वर बैरक लाइक क्वार्टर्स फॉर वर्कमैन। तो ये जो काम करने वाले थे उनके बैरक लाइक क्वार्टर्स भी थे और वहां पे सर्कुलर ये गोल ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे तो ग्रेन को ये पाउंड करने के लिए भी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन, कालीबंगा कहां पे स्थित है? कालीबंगा स्थित है आपका राजस्थान में, राजस्थान में हनुमानगढ़ तहसील में ये कालीबंगा स्थित है और ये घग्गर जो नदी है उसके किनारे पे स्थित है। इसको डिस्कवर किया था बीबी लाल ने इन 1959 और इसका नाम का मतलब है ब्लैक बैंगल्स यानी काली चूड़ियां, काली बंगन, बंगन मतलब बैंगल्स चूड़ियां। कालीबंगन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स यूनिक फायर अल्टार्स एंड वर्ल्ड्स अर्लिएस्ट अटेस्टेड प्लॉड फील्ड। तो मतलब दुनिया का सबसे पहला जो जोता हुआ खेत है वो भी कालीबंगा में ही मिला था। द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विच इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील एट। तो जो सिंधु लोग वजन और माप के उपयोग को जानते थे जो कि सील की खोज से साबित होता है, तो वो सील कहाँ पे मिली थी? वो सील हमें मिली थी हड़प्पा में। और ये इंडस पीपल जो थे ये वेट्स एंड मेजर्स यूज लेते थे इन मल्टीपल्स ऑफ 16। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टडी के साथ एसोसिएटेड है? तो आपका करेक्ट आंसर है एम एस वत्स। अब ये चार्ल्स मेसन और कनिंगम का तो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चार्ल्स मेसन ने तो सबसे पहले इसको अपने अकाउंट्स में डिस्कस किया था इन 1942, और ये अलेक्जेंडर कनिंगम उन्होंने ये अपने जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी उन्होंने इसकी सील्स और को मिस्टुक कर लिया था फॉर ब्रह्मी सील्स। तो एम एस वत्स वॉज इन्वॉल्व इन एक्सकेवेशन विद दयाराम साहनी, और इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम था एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। द हड़प्पन्स वर द अर्लिएस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। तो हड़प्पन्स पहले लोग थे जिन्होंने उत्पाद किया था किस चीज का? वो है कपास यानी कि कॉटन का। हड़प्पन्स वर द अर्लियर पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। द मेगालिथिक कल्चर ब्रिंग्स अस टू द हिस्टोरिकल पीरियड इन साउथ इंडिया द मेगालिथ्स यूज्ड। जो मेगालिथ यानी महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक काल में लाती है। महापाषाण इस्तेमाल क्या करते थे? तो पहले देखते हैं महापाषाण क्या है। मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, तो बड़े पत्थरों का जो यूज होता था उसे कहते हैं मेगालिथिक कल्चर। तो इसके अंदर महापाषाण जो मेगालिथ्स क्या यूज लेते थे? क्या वेपन्स मेड ऑफ स्टोन, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ स्टोन पत्थर से बने औजार, ग्रेव्स एनसर्कल्ड बाय पीसीज ऑफ स्टोन्स कि पत्थर के बड़े टुकड़ों से घिरी हुई कब्रें,
या आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों से बनी दैनिक उपयोग की सामग्री। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रेव्स एनसर्कल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स। मेगालिथ जो है, जैसा मैंने बताया, एक बड़ा पत्थर है जो कि यूज लिया जाता है एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई मॉन्यूमेंट, या तो अकेले या फिर और बड़े पत्थरों के साथ। तो इनमें से कई सारे जो है उनके अंदर आपको ह्यूमन रिमेन्स मिल जाते हैं, बट अभी हमें ये श्योर नहीं है कि ये बरियल साइट ही इनका प्राइमरी फंक्शन था या कुछ और था। तो आपका करेक्ट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, इसका करेक्ट आंसर है 1922। हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड इन 1921-22 बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। इन विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द प्लॉट फील्ड फाउंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, वो सिटी का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ तहसील में है, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे पे, वहां पे मिलता है आपको ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वॉज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स। तो जो ये हड़प्पा की जो मोहरें थी उन्हें बनाने में मुख्यतः कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो आपका आंसर है सही, टेराकोटा, जो कि पक्की मिट्टी है, जो पकी हुई जो क्ले होती है, पक्की मिट्टी, उसके बनी हुई होती थी इसकी सील्स। तो जो हड़प्पन सील्स वर मेनली मेड ऑफ टेराकोटा, और इनमें से कई सारे सील्स पे आपको जानवर बना हुआ मिलता था। तो ये क्या होता था, ये सील्स जो होती थी कि मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या था कि कोई भी सामान के साथ वो क्ले लगी होती थी और उसमें सील आपकी गड़ी हुई होती थी। तो वो क्ले वाला मिलता है, उसमें भी सील आपकी छपी हुई मिल जाती है। वो सील क्या था, वो जो सामान जो बेचता था उसकी इंफॉर्मेशन होती थी। तो सील के अंदर एक तो कोई लिखा हुआ कुछ होता था जो कि हमें पता नहीं क्या है, और साथ में कोई मोटिफ बना हुआ होता था, कोई चित्र सा बना होता था उन लोगों के लिए जो कि पढ़ नहीं सकते थे। और अगर वो सील टेम्पर्ड होती थी तो इसका मतलब ये था कि आपके सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो हड़प्पन सील्स से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन हम उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उससे काफ़ी हद तक हमें आइडिया लग जाता है इसकी इकोनॉमिक, सोशल और कई सारी एक्टिविटीज़ का। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो वो इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे पे है। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर पाया जाता है कहां पर? ये हमारा पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। और ये ग्रेट बाथ जो है इसको माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि कोई रिचुअलिस्टिक बाथ के लिए ये यूज लिया जाता था, रेगुलर बाथ के लिए नहीं था, ये स्पेशल कोई रिचुअल थी उस बाथ के लिए यूज लिया जाता था। तो वेल प्रिजर्व्ड ट्री फॉसिल सपोज टू बी फ्रॉम जुरासिक एज इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम। तो भारत में जुरासिक युग से संरक्षित माने जाने वाला पेड़ जीवाश्म कहां पे मिला? ये हमें मिला था छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ और रिसर्चर्स फ्रॉम स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन छत्तीसगढ़, उन्होंने नवंबर 2012 में अनाउंस किया कि एक फॉसिल इन्होंने डिस्कवर किया है जो कि 250 मिलियन साल पुराना है, या फिर जुरासिक एज का है। जुरासिक पार्क मूवी सबने देखी है तो आपको पता होगा कि जुरासिक एज कौन सी एज थी, वहां पर कौन सा जानवर प्रीडोमिनेट करता था, वो था डायनासोर्स। तो उस टाइम का ट्री फॉसिल्स जो प्रिजर्व, वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर निकला है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? क्या खरोष्ठी है, या ये अब तक इसको हम डेसिफर या पढ़ नहीं सके हैं, ब्राह्मी है या तमिल है? ये भी हमारे एंशियंट इंडिया की ही स्क्रिप्ट थी खरोष्ठी, ये भी हमारे एंशियंट इंडिया की और ये भी हमारे इंडिया की, पर आपका करेक्ट आंसर है अनडेसिफर्ड, उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ये जो स्क्रिप्ट की जो स्टाइल है इसको कहते हैं बॉस्टरिफेडोन। इसके अंदर क्या होता है कि पहली पंक्ति तो आपकी राइट टू लेफ्ट चलती है,
फिर दूसरी लेफ्ट टू राइट आपकी चलती है, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलती है आपकी ये स्क्रिप्ट। और आपको पता कैसे चलता है कि ये राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट? तो क्या है कि यहाँ से जैसे हम अपने नोटबुक में भी लिखते हैं, तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो हम खुला खुला लिखते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास जगह कम पड़ने लगती है एक लाइन में, हम सोचते हैं इस लाइन के अंदर ही लिखते हैं, तो हम थोड़ा दबा दबा के लिखने लग जाते हैं, थोड़ा कम स्पेसिस के साथ लिखने लगते हैं। तो इसी तरीके से इस स्क्रिप्ट के अंदर भी वहाँ पे जो मिली हैं सीट्स और उसमें लिखा हुआ इसी तरीके से है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये पहले तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट, और इस स्टाइल को कहते हैं बॉस्ट्रोफिडोन स्टाइल। और ये स्क्रिप्ट अभी तक हमें पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोथल। द डॉकयार्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है? तो आपका, वो मैंने पहले ही बताया था, गुजरात में स्थित है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड? तो निम्नलिखित में से किस साइट पर प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल पाई गई थी? तो वो है हमारे मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में हमारी ये ब्रॉन्ज की, कांसे की बनी हुई ये डांसिंग गर्ल काफी प्रसिद्ध है, ये पाई गई थी। नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा है? तो आप देखेंगे ऑप्शंस, तो एक तो ये मेसोपोटामियन तो हो नहीं सकते, तो मेसोपोटामिया का है जो कि टर्की, सीरिया, ईरान, इराक जो एरिया है वहां पे, मिडिल ईस्टर्न वहां पे होता है। इजिप्टियन आपका इजिप्ट में होगा। तो अपना इंडिया का सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान, इनमें से एक इंडस वैली साइट पाकिस्तान में है, वो कौन सी है? तो लोथल आपकी गुजरात में है, कालीबंगा आपकी राजस्थान में है, अलामगीरपुर आपकी उत्तर प्रदेश में है, हड़प्पा आपके पाकिस्तानी पंजाब के अंदर है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सबको आप मैच करिए जो सही सही मैच करने का, तो कौन सी जगह, किस जगह पे मिली, ये आपको मैच करना है। तो अपने देखते हैं मोहनजोदड़ो में क्या मिला, वहां पे हमें मिला था स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट। हड़प्पा में आपको मिला था रेड सैंड स्टोन मील टॉर्सो, मतलब कि लाल बालू पत्थर से बना इंसान का धड़। कालीबंगा में आपको मिले थे ये, मैंने अपन ने डिस्कस भी किया था कि हल्के निशान। और लोथल आपको पता ही है कि बंदरगाह था। तो आपका करेक्ट क्या है, ए का 1, बी का 4, सी का आपका है 3 और डी का आपका है 2। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा हो गया आपका, यह है करेक्ट ऑप्शन 1। मोहनजोदड़ो का सिंधी में मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ क्या है? क्या ये सिटी ऑफ इविल स्पिरिट्स, द बुरी आत्माओं का शहर, या पशुपति का भोजन, या शिव की भूमि, या मृतकों का टीला? तो आपका करेक्ट आंसर है द माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी, सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी इसकी खेती बाड़ी, यानी कि एग्रीकल्चर। तो जैसे कि बाकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में देखा गया कि एग्रीकल्चर ही सबसे इसकी मजबूत ये रीढ़ की हड्डी थी इंडस इकोनॉमी की। और अब पीपल, लोग जो यूज लेते थे ये लकड़ी से बने हल और यूज लेते थे। बार्ले और वीट, जौ और वीट जो इसका मेन खाना था, और जो राइस है ये बहुत ही रेयरली मिलते हैं आपको, इसमें बहुत ही रेयर साइट्स में आपको राइस मिलते हैं। कौन सी साइट से मिलते हैं ये आगे क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचिज वर फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स आएगा यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पूरा पाषाण काल। पैलियो पुराना, लिथिक पत्थर। अब मैं आपको सारा बता देता हूं, नियो मतलब कि हमारा नया, लिथिक पत्थर तो ये नवपाषाण काल। जो फिर ये मीसोलिथिक, मीसो मतलब बीच का, मध्य, और लिथिक पत्थर तो मध्य पाषाण काल।
और मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा और लिथिक मतलब पत्थर, तो ये है महापाषाण काल। तो करेक्ट आंसर है आपका पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। तब हमें शुतुरमुर्ग के पाए जाते थे भारत में, उस टाइम में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो ऑस्ट्रिचीज वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड, और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स, बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रिच के अंडे पाए गए पाटने इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पाटने जगह है वहां पर। और इनमें अब फिर कई सारे डिजाइन भी एंग्रेव किए गए कई सारे पीसीज में, और कईयों की हमने मोती वाती भी बना लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल। इनमें से कौन सा डैश इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज कौन सी मानी गई है, सबसे पुराना कौन सा शहर है? यहां पे ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पहले किसकी खोज की, इस चीज पे गौर कीजिएगा। ये पूछ रहा है कि सबसे पुरानी खोज कौन सी मानी गई, तो वो उसका आपका आंसर है भिरदाना। आपका ये भिरदाना है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये प्री हड़प्पन टाइम्स में से ही इसकी हिस्ट्री मतलब की चलती है। तो ये इसको भिरणा भी कह देते हैं, भिरणा या भिरदाना। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे पे है? तो ये मैंने आपको बताया भी था, ये सिंधु यानी कि इंडस जो रिवर है उसके किनारे पर है। मोहनजोदड़ो इंडस, हड़प्पा रावी के, चान्हुदाड़ो इंडस, फिर से रोपड़ हमारा सतलज ये पंजाब में है, लोथल भोगवा जो कि साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे पर है गुजरात में, कालीबंगा जो राजस्थान में ये घग्गर में है, और अलामगीरपुर ये हिंडोन नदी के किनारे पर, ये उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा सिंध में है, ये पाकिस्तानी पंजाब में है, ये भी पाकिस्तान में है, ये हमारे पंजाब के अंदर है, ये गुजरात के अंदर है। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द प्लेसेज इन इंडिया? तो पुरापाषाण युग की गुफाएं और रॉक शेल्टर भारत में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है भीम बेतका में, भोपाल के पास, मध्य प्रदेश में। भीम बेतका रॉक शेल्टर्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सेंट्रल इंडिया में, जो कि प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक जो पीरियड है उससे स्टार्ट होके मीजोलिथिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड तक वहां पे आपको मिल जाएंगे उसके। और इसके अंदर हमें इंसान के, ह्यूमन लाइफ के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होने के सबसे पहले ट्रेसेस मिलते हैं। और रॉक शेल्टर्स के अंदर ये लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स, कई सारी पेंटिंग्स मिलेंगी, उनमें से कई पेंटिंग्स तो 10,000 साल पुरानी भी है। तो आपका करेक्ट आंसर है भीम बेतका जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वर डॉग्स बरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स इन न्यूलिथिक एज? जो नवपाषाण युग है उसमें से कौन से स्थान पर कुत्तों को उनके स्वामी के साथ दफनाया जाता था? तो आपका आंसर है करेक्ट बुर्जा होम। तो बुर्जा होम में, सॉरी आपका करेक्ट आंसर मैं मार्क कर देता हूं, करेक्ट आंसर है बुर्जा होम। तो बुर्जा होम है उसके अंदर कुत्तों को अपने जो मास्टर्स थे उनके साथ न्योलिथिक एज जो नवपाषाण युग है उसमें दफनाया जाता था। बुर्जा होम आर्कियोलॉजिकल साइट आपके कहां पे? कश्मीर जो घाटी है वहां पर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हु डिस्कवर्ड द सिटी ऑफ हड़प्पा? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी राय बहादुर दयाराम सानी जी ने 1921 में, 21-22 में। तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम सानी जी ने, मोहनजोदड़ो की थी राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने, लोथल की थी एस आर राव ने, कालीबंगा की बी बी लाल ने, रोपड़ और अलामगीरपुर की वाई डी शर्मा ने, चान्हुदाड़ो की एम जी मजूमदार ने, और रंगपुर जो जगह है उसकी की एम एस वत्स ने। विच एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स? तो हड़प्पन जो स्थल है उनकी खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई गई? तो वहां पे ड्रेन्स और वेल्स तो पाए गए, यहाँ तक कि जैसा मैंने आपको बताया था घर के अंदर खुद का एक कुआं होता था, फोर्ट वहां पे मिलता था, जैसे कि आपको पता है कि
जो शहर है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, एक सिटाडेल या फोर्ट होता था ऊंचा और दूसरा होता था जो आम लोगों के लिए जगह, तो वो भी नहीं। रिजर्वॉयर्स मिले थे जलाशय जो कि ये शायद एग्रीकल्चर के लिए यूज़ लेते थे या किस चीज़ के लिए, ये हमें पक्का नहीं पता, पर ये रिजर्वॉयर्स भी मिले। तो क्या चीज़ नहीं मिली वहाँ पे थे, ये टेम्पल्स विद शिखर। हड़प्पन लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन वहाँ पे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल नहीं मिलेगा, कोई मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द मेटल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है आयरन, यानी कि लोहा। एट विच प्लेसेस वर राइस हस्क्स फाउंड? तो ये चावल की भूसी किन स्थानों पर पाई गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है लोथल और रंगपुर, इन दोनों जगहों पे पाई गई, और ये दोनों जगह ही आपके गुजरात में है। रंगपुर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, रंगपुर को MS वत्स ने फाउंड किया था। तो ये इन दोनों स्टेट्स पे साइट्स पे आपके राइस हस्क यानी कि चावल की भूसी मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था थोड़ी देर पहले कि राइस बहुत ही रेयर मिलती थी, बाकी बार्ले और वीट इसके ये मेन जो डाइट थी वो थी। एट विच ऑफ द प्लेसिस वॉज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर फाउंड? तो किस स्थान पे हिरन का पीछा करते हुए कुत्ते की कांसे की मूर्ति मिली थी? तो इसका आपका जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा में आपको कुत्ते का पीछा हिरन का पीछा करते हुए कुत्ते की कांसे की ब्रॉन्ज की जो ये मूर्ति आपको मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंड एट कालीबंगन? कालीबंगन में इनमें से कौन सी चीज आपको मिली थी? तो काली बंगा, बंगा यानी बैंगल्स। तो आप फिर इससे आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि वहां पे बैंगल फैक्ट्री मिली ही होगी आपको। ये बाकी जो ये ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैंडरी और मल्टीपिलर असेंबली हॉल, ये आपको मिले थे मोहन जोदड़ो में। ये तीनों की तीनों आपको मोहन जोदड़ो में मिलते हैं। ये बैंगल फैक्ट्री आपको मिली थी आपको काली बंगा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसिरस फाउंड? कि इनमें से कौन से इस शहर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के उसमें गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए थे? तो इसका आपका सही जवाब है अमरी। अमरी के अंदर आपके जो है गैंडे के एक्चुअल रिमेन्स पाए गए थे, और रिमेन्स ऑफ कैमल यानी ऊंट के वो कालीबंगा में पाए गए थे, और जो घोड़े के जो रिमेन्स थे वो सुरकोताड़ा के अंदर पाए गए थे। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जवाब है आपका लोथल। लोथल वॉज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि इसका जो कॉटन ट्रेड काफी एक्सपेंडेड थी इस वजह से। विच सिटी वॉज द ओनली सिटी टू बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स? तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये जनरली ये दो पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड होती थी, सिटाडेल यानी गढ़ जो कि थोड़ा ऊंचा होता था, और फिर आम लोगों के लिए जो रहने का स्थान वो थोड़ा निचला होता था। लेकिन जो आपका धोलावीरा जो जगह है वहां पे ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। और कौन सी ऐसी सिटी थी जहां पे कि आपको गढ़ नहीं मिलता, वो चान्हुदाड़ो था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कि ये चित्रात्मक थी, ये पिक्टोग्राफिक थी, फिश सिंबल वो इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड या मछली के प्रतीक का सबसे अधिक इस्तेमाल है, इट वॉज रिटन राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन, तो इसे पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी में बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था, या उपरोक्त सभी? तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये अच्छा मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पहले भी देखा कि ये बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट थी और इसको अभी हम डिसाइफर नहीं कर सके हैं। ये डिसाइफर करने के लिए आपको कोई रोजेटा स्टोन टाइप कोई चीज चाहिए होती है, जो कि रोजेटा स्टोन ने काफी हेल्प की थी एक पुरानी एंशियंट जो ये इजिप्टियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में। रोजेटा स्टोन के अंदर क्या था कि ये एक स्टोन के अंदर ये एक कोई एडिक्ट था, उसके अंदर कोई भी एक डिग्री थी वो थ्री
स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी गई थी, जिनमें से दो तो एंशियंट इजिप्टियन स्क्रिप्ट थी, एक एंशियंट ग्रीक स्क्रिप्ट थी। तो इस वजह से हम रोजेटा स्टोन की मदद से हम ये पता लगा पाए थे कि ये स्क्रिप्ट्स क्या कह रही थी। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू रहा था रोजेटा स्टोन का फाउंड करने में, इन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने में। और इसीलिए हमारे ये ईडियम भी चलती है कि रोजेटा स्टोन जो है, शायद इसकी स्पेलिंग ये थी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, रोजेटा स्टोन। अगर किसी चीज़ को रोजेटा स्टोन कहा जाता है ईडियम, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे, तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है किसी भी पजल को सॉल्व करने में, तो इसलिए उसको रोजेटा स्टोन कहते हैं। तो ऐसा कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज़ अभी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिली है, इसलिए हम इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। विच सिटी इज नोन एज द गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवेश द्वार के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिससे को देखते हुए कि लगभग आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यही गेटवे था, प्रवेश द्वार था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर टू रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज फाउंड, निम्नलिखित में से किस शहर में छह ग्रेनरीज, ग्रेनरीज हैं ये, ग्रेनरीज जो अनगार हैं, अनगार की दो पंक्तियां पाई गई थी। तो इसका आपका सही जवाब क्या है, क्या मोहनजोदड़ो, चांदुड़ो, दायमाबाद या हड़प्पा? अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो में आपको द ग्रेट ग्रीनरी मिली थी, ये विशाल अनगार मिला था, वो था मोहनजोदड़ो में। लेकिन ये जो दो पंक्तियां जो छह ग्रीनरीज के अनगारों की, वो आपको हड़प्पा में मिली थी। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो ग्रेट ग्रीनरी कहां पे मिली, मोहनजोदड़ो, लेकिन ये सिक्स ग्रीनरीज की जो दो रो है वो आपको हड़प्पा में मिली थी। तो आपके ये 50 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, और आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसी वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए। आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस कर लीजिए, और जो एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, आप लगभग क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।